करम में अब तक आपने देखा? जी, मैंने यश को पसंद कर लिया है। दुनिया में मैं पहला ऐसा बदनसीब बाप हूँ जिसने ऐसी भूल की है जिसकी कोई माफी नहीं हो सकती। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ बेटी। मतलब क्या है तुम्हारा? यही कि उसके बाद हमें ऐसे छुप छुप के मिलने की जरूरत नहीं है। We can officially meet। क्षमा की शादी की तारीख भी तय हो चुकी है। क्या? देख, तुझे मानसी को लेकर श्रीनाथ जी जाना होगा। श्रीनाथ जी? If you don't mind, क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? Sure, why not? हम अभी आए। आओ। क्या बात है, बहुत देर कर दी आने में? वो केके को घर तक छोड़ने गया था। कुछ खास बात थी? कुछ खास बात की केके से? नहीं। वो मुझे केके के बारे में कुछ खास बात करनी है। वो केके है ना? विपुल, विपुल, क्या बात? नींद नहीं आ रही? तुमने दवाई खाई? मानसी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? मैं जानता हूं तुम क्यों अपसेट हो, क्योंकि तुम मेरे साथ शीला जी नहीं आना चाहती। कोई बात नहीं, मैं हम दोनों का प्रोग्राम कैंसिल करा लूंगा। नहीं, मैं चलूंगी। पर तुम ये मत समझना कि मैं इसलिए आऊंगी क्योंकि तुम मेरे साथ हो। मैं बस दादी का दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं सिर्फ उनके दिल रखने के लिए चलूंगी। और तुम इसका कोई और मतलब मत निकालना। जीते रहो बेटा, मेरे बच्चों को किसी की नजर ना लगे। ये बेटा, मेरी तरफ से भी भगवान का दर्शन करना और भगवान से कहना कि मेरे परिवार को हमेशा खुश रखे। जीते रहो बेटा। खुश रहो बेटा। चल, मानसी का ख्याल रखना। चाहे दिल तो मेरा भी कर रहा है कि मैं और नेहा भी तुम्हारे साथ चलते, पर इन्हें ऑफिस में बहुत सारे काम है। मानसी, तुम संभल कर जाना। चलो जय, मैं तुम्हें गेट तक छोड़ दूं। चलो चलो। जय बेटा, संभल के जाना और मानसी का ख्याल रखना। गेत की, गेत की, गेत की, गेत की। क्या हुआ विपुल?
क्यों चिल्ला रहे हो तुम? ओ मैं तुम्हें बताना भूल गया। क्या? आज सुबह जय का फोन आया था। जय का फोन इतना सुबह सुबह क्यों? जय और मानसी श्रीनाथ जी जा रहे हैं दर्शन के लिए, यही बताने के लिए फोन किया था उसने। तुमने मुझे क्यों नहीं बोला? मैं भी तो मानसी से बात कर लेती ना। तुम इतनी गहरी नींद सो रही थी, उठाने का मन नहीं किया। विपुल जी बाबा। अरे विपुल बेटे, अरे अभी तक तुम तैयार नहीं हुए, क्यों कहीं जाना? अरे भाई ये शादी के कार्ड्स आ गए तो हमने सोचा कि इसे बांटने का काम आज से ही शुरू कर देना चाहिए। ठीक है पापा, मैं अभी तैयार हो जाता हूँ, उसके बाद मैं और केतकी अपने नजदीकी रिश्तेदारों के पास चले जाते हैं। ठीक है, जल्दी आ जाओ। मैं आया। हेलो केतकी, बहुत बहुत बधाई हो केतकी, अब तो मेरी और शमा की शादी की तारीख भी पक्की हो गई, अब तुम्हें मुझसे मिलने में और देरी नहीं करनी चाहिए। बस बस करके बहुत हो चुका, देखो अब मैं तुम्हें एक और जिंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। क्या हुआ केतकी? केतकी क्या हुआ? किसका फोन है? वैसे आपका नाम क्या है? श्रीनाथ दुबे। कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं? 7-5 साल से। लोकली चलाते हैं या सिर्फ लॉन्ग टूर्स पर जाते हैं? नहीं साहब, लोकल एरिया का भाड़ा लेते हैं। बॉम्बे टू श्रीनाथ जी, श्रीनाथ जी टू बॉम्बे। अच्छा, तभी आपका नाम श्रीनाथ जी। क्या साहब आप भी। अरे भाई मजाक कर रहा हूँ सर। क्या बात है मानसी, तुम बहुत थकी हुई लग रही। सोच रही थी अगर केतकी दीदी से बात हो गई होती तो बेहतर होता। मैंने आते वक्त विपुल भैया को फोन कर दिया था, उन्हें बता दिया था कि हम श्रीनाथ जी जा रहे हैं। भाभी से तो बात नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि बाद में बात कर लेंगे, अभी फोन करते हैं। मोबाइल भी आउट ऑफ रेंज, बाद में फोन करते हैं। ओके। क्या है केतकी? केतकी मैं तुमसे पूछ रहा हूं, ये सब क्या है? केके वो अच्छा हाथ में नहीं है, धोखेबाज है वो। केतकी शमा के साथ उसकी सगाई हो चुकी है, तुम उसके बारे में ऐसे बोल रही हो? केके की शादी शमा के साथ नहीं होगी, नहीं होगी उसके साथ शमा शादी। पर क्यों भाभी? क्योंकि उसका मेरे साथ। भाभी प्लीज। वो शमा से भी इसीलिए शादी करना चाहता है ताकि वो मेरे साथ। भाभी बस प्लीज। भाभी क्या बोल रही हो आपने? झूठ बोल रही है मम्मी। क्यों झूठ बोल रही है मम्मी? झूठ बोल रही है कैसे जान रही है? क्या?
क्या बात है मानसी, कोई परेशानी? डिजी फील कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैं गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, जय प्लीज गाड़ी रोको। मानसी एक मिनट, भाई गाड़ी रोकना जरा। मानसी अचानक एकदम क्या हो गया तुम्हें? वो पीछे एक इमली वाला खड़ा था, मुझे इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, तुम लाके दोगे? जाओ ना। ड्राइवर जरा गाड़ी पीछे ले, ठीक है मैं अभी लेकर आता। इमली वाले भैया जरा इमली दीजिए। अच्छा अच्छा, अरे वाह बेर भी। हाँ बेर भी है। हाँ ये लो 10 रुपए के बेर भी दो। अच्छा बाबा, मैडम को बेर ही बहुत पसंद है। और सुनो नमक भी डाल देना इसमें। हाँ ठीक है बाबू, जल्दी करो भाई साहब, जल्दी करो। बस जल्दी किया बाबू, स्पेशल है बेर। चलो भाई गाड़ी चलाओ, ये लोग तुम्हारे लिए बेर भी लाया। ये क्या बकवास कर रहे हो खेती? मैं सच कह रही हूँ, सच कह रही हूँ। के मुझे ब्लैकमेल करता था, शिमा के घर में किसको कह ही नहीं पाई। के तुम्हें ब्लैकमेल क्यों करता? हमारी शादी से पहले मैं उसके प्यार को ठुकरा चुकी थी, बदला लेना चाहता था वो मुझसे, इसीलिए मुझे धमकाता था कि मैं उससे मिलने आऊं, और अगर उससे मिलने नहीं जाऊंगी तो वो शमा के साथ बात है, आज अचानक तुम्हें इमली खाने का मन कैसे हो गया? तुम्हें पता है बड़ौदा में हमारे घर के सामने के इमली का पेड़ था, और माली काका रोज एक इमली तोड़-तोड़ के मुझे देते थे, तब से मुझे पसंद है। तुम भी लो ना। नहीं तुम खाओ। लो ना। खाओ ना। क्या देख रहे हो? तुम्हारे चेहरे पर खुशी देख रहा हूं मानसी। तुम्हें बता नहीं सकता मानसी कि आज मैं कितना खुश हूँ। जाने अनजाने मुझसे बहुत सी गलतियां हुई, लेकिन मेरे यकीन करो, मैं वादा करता हूं कि अब से तुम्हें सिर्फ जिंदगी में खुशियां दूंगा। जय, क्या तुम्हें लगता है कि तुम जो वादा कर रहे हो वो तुम निभा पाओगे? मानसी मैंने तुम्हें जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द सच्चा है, नहीं यकीन करो, विश्वास रखो। जय, जय तुम शमा और केके की शादी रुकवा दो प्लीज। क्या? सच सच बताओ तुम केके को कैसे जानती हो? केके और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे, हमारी शादी नहीं हो पाई, पर शादी के बाद मैंने केके को अपने दिलो दिमाग से निकाल दिया। शमा के लिए जब से केके का रिश्ता आया है वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा है। उस दिन भी
उसने फोन किया। शमा को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन शमा ने केत की दीदी की बातों पर गौर ही नहीं किया। तुम्हारे मम्मी पापा को इस बात का पता है? दीदी मम्मी पापा को परेशान नहीं करना चाहती है। लेकिन फिर भी विपुल भैया को तो बता ही देना चाहिए था। हाँ, लेकिन पता नहीं विपुल भैया कैसे रिएक्ट करें। मानसी, इसी बात का डर मुझे भी है। ये सब पता चल जाने के बाद पता नहीं भैया किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मैं बताना चाहती थी पर नहीं बता पाई। बता नहीं पाई या कहना नहीं चाहती थी? क्योंकि तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हें मुझसे और के दोनों से हाथ न धोना पड़े। नहीं विपुल, ऐसा नहीं है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया, कभी धोखा नहीं दिया है तुम्हें। विश्वास करो मेरा। बस करो कीतकी, बस बंद करो ये नाटक। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। विपुल, मैंने जो कुछ किया वो शमा को बचाने के लिए किया। विपुल, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। अब तुम इस घर में और नहीं रह सकती। स्टार्ट करो, ये ले चाय। अच्छी थी ना जय? तुम एक बार और केत की दीदी को फोन करके देखो ना। मानसी, मेरे ख्याल से आउट ऑफ रेंज। एक काम करते, शीना जी चल के वहां से फोन करते हैं। ठीक है? ओके, चलो।